नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। 26 नवंबर से कटरा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में दो दिवसीय 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन होगा शुरू। उद्घाटन करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डीजीपी ने किया पट्टन का दौरा, मीरगुंड पुलिस चौकी में कई सुविधाओं का किया उद्घाटन। पत्रकारों को दी गई धमकी पर दी प्रतिक्रिया। विक्रम सिंह यादगार कमेटी ने जनरल विक्रम सिंह के शहीदी दिवस पर उन्हें किया याद, अर्पित की श्रद्धांजलि। और अपनी पार्टी ने जम्मू में अपने कार्यालय में किया मीटिंग हॉल का उद्घाटन, अल्ताफ बुखारी रहे मौजूद। देश में ई गवर्नेंस से सुशासन कायम करने की दिशा में बढ़ाए जा रहे कदम के बीच 26 नवंबर से कटरा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में दो दिवसीय 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। दो दिवसीय सम्मेलन में मंत्रालयों, विभिन्न विभागों, 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 1000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का लक्ष्य ई गवर्नेंस से बेहतरी लाने के लिए नागरिकों, उद्योग जगत व सरकार को पास लाना है। इस दौरान ई गवर्नेंस के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को उजागर करने के साथ इस दिशा में पदक विजेताओं की फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। संविधान दिवस पर होने वाले इस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्र सरकार की प्रशासनिक सुधार, जन शिकायत विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज जिला बारामूला के पट्टन का दौरा किया और पुलिस जवानों के लिए बैरक, डीओ कार्यालय और पुलिस पोस्ट मीरगुंड में आवासीय क्वार्टर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट, एसडीपीओ पट्टन मोहम्मद नवाज खांडे और डीओ मीरगुंड अतहर परवेज भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर डीजीपी ने पत्रकारों को दी गई धमकी पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इससे आतंकियों की बौखलाहट सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि ये आतंकियों की हताशा है जो उनसे इस तरह की हरकतें करवा रही है। देखिए, जे नहायत ही बेहुदा किस्म की हरकत है, जो फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट जो जम्मू कश्मीर में शांति, अमन, खुशी, खुशहाली उसके दुश्मन हैं उनकी तरफ से, जिनको बिल्कुल ये हजम नहीं हो रहा कि जम्मू कश्मीर में आम शहरी बिना किसी तकलीफ के अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करने लग गया है, जिनको ये बिल्कुल हजम नहीं हो रहा कि आज श्रीनगर या बाकी जगहों पर पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही है, जिनको बिल्कुल तकलीफ़ है, पेट में दर्द है कि आज कश्मीर का नौजवान कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे चलते हुए अपनी जान को मुश्किल में डाल के या अपनी जान को जाया करने के लिए क्यों नहीं निकल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये इस तरह की जो बखलाहट है, इस तरह की जो उनकी इस तरह की फ्रस्ट्रेशन है, उसके चलते वो अलग अलग सेक्शंस को टारगेट करते हैं। वो चाहते हैं कि जो मौत का जहाँ पर लंबा सिलसिला, बर्बादी का सिलसिला चला, आज जर्नलिस्ट उसी सिलसिले को उनके हिसाब से यहाँ पर पेश करे। जहाँ आज अमन है तो जर्नलिस्ट अमन की बात करेगा, जहाँ अगर आज अच्छे तरीके से लोग रह रहे हैं तो जर्नलिस्ट उसी को देखेगा, उसी को बयान करेगा। जर्नलिस्ट के मुंह में अगर आप ये डालेंगे कि लोग जहाँ पर बड़े परेशान हैं तो परेशान हो गए तो परेशान। जनरल विक्रम सिंह के शहीदी दिवस पर विक्रम सिंह यादगार कमेटी द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू नगर निगम के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया, भाजपा नेता सत शर्मा, युद्धवीर सेठी, पूर्व एमएलसी चरणजीत सिंह खालसा व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर जनरल विक्रम सिंह को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उनके योगदान को याद कर उसे अतुल्य बताया गया। शहीद अपना खून दे गया, लेकिन उसका खून बेचने के लिए हमारे ही अंदर बैठे इन गद्दारों को जो हमारी गर्दनें काट रहे हैं, वो समझ ले कि सरदार जनरल विक्रम सिंह साहब के सिपाही जो अपने वतन के लिए सरहदों पर लड़ रहे हैं, उमर भाई आईएसआई का कर्नल मुझे बोलता था, फिर
हिंदुस्तान का कुत्ता, मैंने बोला काटेंगे। और 3 दिन वो जंग रही, हमारे साथ सिख बटालियन थी, मेरे साथ हमेशा कश्मीर में सिख बटालियन चलती है, और हमने मिलिटेंसी की कमर तोड़ी। कुछ बात है कि हस्ती मिटनी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जब अपने ही देश को बेच डाले, ए भारत माँ हम तुझे कैसे बचाएं। लेकिन भारत माता के सपूत जनरल विक्रम सिंह तो चले गए, आदर्श छोड़ गए, हम लोग इनके आदर्शों को फॉलो कर रहे हैं। ये मेरी किताब ब्रह्मास्त्र, जिसमें अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज पार्टी ऑफिस मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर हजारों की तादाद में युवा और छात्रों ने अपनी पार्टी का दामन थामा। रास्ता जो है वो निकलेगा, कई सारी वॉच जो हो रही है उसके लिए आप कैसे देखिए, ये तो गौरव की बात है। मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मेरे लिए तो ये गौरव की बात है कि जितना मेरे मुल्क को इज्जत मिलेगी, जितना हम दुनिया में ऊपर आएंगे, उतना हर हिंदुस्तानी के लिए फ़ख्र की बात है, और हमारे लिए कोई कम फ़ख्र की बात नहीं है। हम तो ताज हैं हिंदुस्तान का। सिविलियन किलिंग्स पर क्या कहेंगे? काफ़ी अभी अफसोसनाक है, अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह के फजल से, इंशाल्लाह लोगों की मदद से, हम एक दिन इसका भी खात्मा करेंगे, ज़रूर खात्मा करेंगे। मैं नहीं मानता हूँ कि खाली सिक्योरिटी फोर्सेज से ही ये किलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। एक जन अभियान जब चलेगा, उसी से ये हो जाएगा, और हम लोग कर रहे हैं, इन आवर स्मॉल वे वी हैव स्टार्टेड, और इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। फिर एम्प्लॉयज़ काफ़ी जैसे प्रोटेस्ट पर बैठे, उनकी सैलरीज बंद कर दी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को दिल होना चाहिए। ये ठीक है सरकार के पास दिल नहीं होता है, लेकिन दिल रखना चाहिए। जो लोग वहाँ हैं, सरकार भी तो इंसान ही चला रहे हैं, उन लोगों की जायज़ मांग है। अगर डर है, देखिए अगर डर है तो वो डर जब तक ना हम उनका दूर करें, तब तक अब उनको कहें कि खुदकुशी के लिए जाओ सब, तो फिर वो थोड़ी सी ज्यादती है। मुझे लगता है कि दे लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड हैव एन ओपन माइंड ऑन दिस। आई नो उनको लगता होगा कि कहीं नबे ना हो जाए, नबे के में जो लोग आ गए फिर वापस कहेंगे नहीं, लेकिन हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने साथी हैं। मैं तो बताऊंगा, कश्मीर की रूह हैं वो लोग। भारत को G20 की अध्यक्षता की अहम जिम्मेदारी मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को फिर कश्मीर मुद्दा याद आ गया, और उन्होंने इसी बहाने पाकिस्तान से वार्ता का राग भी छेड़ दिया। फारूक ने भारत की उपलब्धि पर खुशी तो जताई, लेकिन ये भी कहने से नहीं चूके कि G20 की अध्यक्षता का लाभ उठाते हुए कश्मीर मसले के समाधान के लिए पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच का नेतृत्व करते हुए रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त कराकर पूरी दुनिया की मदद कर सकते हैं। इस जंग के कारण आज पूरी दुनिया में आर्थिक संकट शुरू हो गया है। अगर हालात यूं ही रहे तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में बेरोजगारी, गरीबी और मंदी बढ़ेगी। इस बात का तो बहुत खुशी है कि हम लोग इस साल G20 के प्रेजिडेंटशिप इंडिया को मिली है। हो सकता है कि इसमें हिंदुस्तान पे बहुत बोझ है सारे कंट्रीज़ का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म इसमें सक्सेसफुल होंगे कि ये जो यूक्रेन का वॉर हो रहा है इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसने हमारी हालत सारी दुनिया की ख़त्म कर दी। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी हो रही हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए G20 का मैं प्रेजिडेंटशिप लेना अच्छा होगा, अगर हम इसको दूर कर सकें। दूसरा जो है, हमारे जो मुश्किलात हमारे नेबर के साथ हैं, उसमें भी हो सकता है कि ये मुल्क जो है मिल के इसका कोई हल निकालेंगे, और ये जो है ये ख़त्म हो जाएगी हमारी मुश्किलात हमारे वतन के। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात पूरी करें? देखिए, मैं जब कहता हूँ कि पाकिस्तान से बातचीत करो, तो आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर कहते हैं हम बच्चों से बात करेंगे, उनसे नहीं बात करेंगे। राय तो उनसे है, राय तो बच्चों से थोड़ी है, और मैं जब कहता हूँ तो वो कहते हैं ये देशद्रोही है। तो इससे मैं अब थक गया, ये कहते कहते बात करो, एक दिन तो करनी पड़ेगी इनको, वो कैसे करेंगे वो मैं नहीं जानता। DNA परीक्षण के लिए एक शिशु के शव को करीब 5 दिन बाद कब्र से निकाला गया। बड़गाम के एक परिवार के आरोप के बाद ये कार्यवाही की गई, पर परिवार का आरोप है कि उन्हें
जेबीसी अस्पताल में बच्चे की बजाय बच्ची का शव दिया गया था। अधिकारी ने कहा कि चूंकि परिवार ने अस्पताल के अधिकारियों पर शिशु की अदला बदली करने का आरोप लगाया है, इसलिए डीएनए परीक्षण के लिए शव को बाहर निकालने का फैसला किया गया ताकि सच्चाई सामने आ सके। अधिकारियों ने कहा कि जेबीसी की मेडिकल टीम परिवार के सदस्यों और कुछ स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया। बता दें कि पिछले हफ्ते बड़गाम के पुतली बाग इलाके में एक परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें बच्चे की जगह बच्ची का शव दिया गया। आरोपों के बाद शव को बाहर निकालने और डीएनए नमूना लेने के लिए चार डॉक्टरों सहित एक फॉरेंसिक टीम का गठन किया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि डीएनए मैपिंग कुछ दिनों में होगी और अंतिम रिपोर्ट करीब 15 दिन के भीतर आने की उम्मीद है। मतलब ییٚمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ سانٛد وُند ژَلان، یِہوے چھِ أسۍ وَنان، دَپان چھِ یِہے چھِ لٔڑکی، بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ أمِس سرٛان دِتھ کینٛہہ، اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ پَتہٕ اَنان مطلب زٕ لیڈیٖز، سُہ چھِ أمِس سرٛان دِوان۔ تَمہِ پَتہٕ حظ چھُس بہٕ جے وی سی وَسان، ییٚلہِ بہٕ واڈ 7 منٛز چھُس کھسان، اَتہِ چھِ مےٚ ڈِسچارٕج آسان خانٛدارنہِ زَتھَس کیٚتھ، بہٕ چھُس مےٚ فون آسان یَتھ تہِ چھُ دَگ دِوان، اَتھ تُہۍ چھُ یہِ تہِ پیٚیہِ کیٚنٛہہ پھٕٹان۔ اہن حظ آ، واریاہ اِنصٲفی۔ مطلب نہ حظ أسۍ چھِ یُتُے یوت یَژھان وۄنۍ اِنصاف گژھِ گژھُن، بیٚیہِ نہ حظ کِہیٖنۍ۔ مطلب نہ وۄنۍ نہ چھُ پانے لیوٚکھمُت ڈاکٹر صٲبو ہر کُنہِ کاغدس أمِس حظ اوس لٔڑکہٕ، یعنی کہِ اَسہِ ووٚنُکھ تہِ تۄہہِ چھُو لٔڑکہٕ۔ مطلب بٲژن دۄہن ٲسۍ نہٕ أسۍ اَندر دِوان آز تانۍ کِہینۍ۔ بہٕ چھَس یہِ وَنان، مطلب اَگر أسۍ 15 دۄہ لاش دِژٕکھ ہُتھ منٛز، تَمہِ سۭتۍ بچہٕ سٕنٛدۍ پَلو گژھن واپَس اَسہِ دِنۍ، تِم تہِ نہ حظ دِتِکھ نہٕ کِہینۍ۔ سۄ ژٔٹ ڈاکٹر صٲبن، ژٔٹ سۄ أڑ، تہٕ أڑ حظ چھِ اَسہِ چانسٕے حظ۔ تَمہِ پَتہٕ ووٚن اَسہِ ڈاکٹر صٲبَس، اَسہِ دوٚپ تَتہِ مطلب جے وی سی منٛز دیُت اَسہِ بۄن کَتھ، اَسہِ دوٚپُس اَسہِ حظ ژٔٹِکھ مطلب زَنانہِ دِژ ڈِسچارٕج، سۄ حظ چھِ أکِس، سۄ حظ چھِ أڑٕے وۄنۍ، أکِس یہِ چھِ أڑٕے وۄنۍ، أڑ حظ ژٔٹِکھ یہِ۔ اَتھ حظ ووٚن ڈاکٹر صٲبَن تَتہِ۔ یہِ حظ چھِ وۄنۍ أڑٕے، أڑ ژٔٹِکھ اَتھ حظ تٔمی ڈاکٹر صٲبَن۔ सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ जवानों ने एक बार फिर अपनी सतर्कता दिखाते हुए पाकिस्तान सीमा से भारतीय सीमा में घुसपैठ के दो बड़े प्रयासों को नाकाम बना दिया है। घुसपैठ के ये दोनों प्रयास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किए गए। जम्मू संभाग में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे अन्य सेक्टर से भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठी को जहां सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया, वहीं जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर से घुसपैठ का प्रयास कर रहे पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसके कब्जे से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है, परंतु घुसपैठ की इन दो अलग अलग कोशिशों के बाद बीएसएफ जवानों ने सीमा से सटे इलाकों में तलाशी अभियान चलाया है। बीएसएफ अधिकारी ने घुसपैठ के दोनों प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पहली घुसपैठ अन्य सेक्टर में जबोबाल पोस्ट के नजदीक रात करीब 2:30 बजे हुई। सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों ने रात के अंधेरे में सीमा पर हलचल देखे जाने के बाद घुसपैठियों को कई बार चेतावनी दी, परंतु जब उसने चेतावनी के बाद भी भारतीय सीमा की ओर बढ़ना जारी रखा तो तारबंदी के नजदीक आते ही जवानों ने फायरिंग कर उसे वहीं ढेर कर दिया। स्टेट डिपार्टमेंट या डेली विजिल्स द्वारा आज 39वें दिन में भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। उनकी मांगों में लंबित वेतन जारी करना, SRO 64 का लाभ देना और रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करना शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। डिवीजन के अंदर जो हमने हड़ताल की है, हमारी एक ही पॉलिसी की मांग है, SRO 64 के तहत स्टेट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है उनको रेगुलर किया जाएगा। ज्यादा मुलाजम नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, टोटल 450 इंप्लाइज है स्टेट डिपार्टमेंट्स का, और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास स्टेट डिपार्टमेंट के पास कैबिनेट डिसीजन है, बार बार आपके मीडिया के सामने हमने वो लाया हुआ है, और फिर भी हम मीडिया के जरिए एक और मैसेज देना चाहते हैं कि श्याम लाल शर्मा जी ने जो इन्हें कमेटी ब्रीफ की है और उनने ऑल डिपार्टमेंट्स के लिए
एक मैसेज डाला हुआ कि ऑल डिपार्टमेंट से मिला जाएगा, और हम जानते हैं कि हम देखते हैं कि सबका साथ सबका विकास और वो कौन सी पॉलिसी है, और हमें बहुत इस्तकबाल करते हैं उस पॉलिसी की। हमें यकीन है कि जल्द से जल्द उन्होंने ये जो बुधवार और वीरवार को मिलने का टाइम रखा हुआ है कि 41 डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसमें एक हिस्सा स्टेट डिपार्टमेंट भी है, और हमें भी खुशी हुई है। हम अपने मुलाजमिनों की तरफ से श्यामलाल शर्मा जी को इस बयान से। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, सारा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी, वीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनपुर में रिंडर पेस्ट चेक पोस्ट पर अनियमितताएं और लापरवाही के मामले में स्टाफ और डॉक्टर पर गाज गिरी है। पशुपालन निदेशालय ने लखनपुर रिंडर पेस्ट चेक पोस्ट पर तैनात 2 वेटनरी फार्मेसिस्ट और 4 MTS को निलंबित कर लीवर फ्लूक और रिंडर पेस्ट कंट्रोल अधिकारी जम्मू कार्यालय में अटैच उन्हें किया गया है। वहीं स्थान पर 3 वेटनरी फार्मेसिस्ट और 3 MTS को तत्काल प्रभाव से रिलीव करते हुए लखनपुर में रिंडर पेस्ट चेक पोस्ट पर लगाया गया है। वहीं लखनपुर में तैनात वेटनरी सहायक सर्जन को भी लीवर फ्लूक और रिंडर पेस्ट कंट्रोल अधिकारी कार्यालय में अटैच किया गया है। कार्यवाही का आधिकारिक आदेश सोमवार को जारी किया गया। दूसरे राज्यों से पोल्ट्री समेत अन्य लाइफ स्टॉक की लखनपुर में जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई। आज सुबह 10:05 पर लद्दाख के कारगिल में 191 किलोमीटर उत्तर में भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी। हालांकि इसमें फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। धरती के भीतर 7 प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती हैं तो वहाँ फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं। सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहाँ दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती हैं। इन प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिस वजह से धरती हिलती है और हम इसे भूकंप मानते हैं। सड़क सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने के फैसलों के क्रियान्वयन की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि आप अपना सिर पीटते रह जाओगे। सड़कों पर जिंदगी बचाने के लिए वर्ष 2015 में तत्कालीन राज्यपाल NN वोहरा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 7 वर्ष गुजर गए लेकिन सरकार अपने उन फैसलों को ही धरातल पर नहीं उतार सकी। वाहनों पर जुर्माने का 50% हिस्सा सड़क सुरक्षा निधि में जमा होने का तो पता नहीं, लेकिन ट्रामा सेंटर असुविधाओं के लिए बदनाम है। आज तक ये खुद के स्टाफ के लिए तरस रहे हैं। सरकारी वाहनों में लगने वाले GPS अभी एक्टिव नहीं हुए हैं। एक्सीडेंट प्रोन एरिया में अगर आपको क्रैश वैरियर मिल जाए तो हमें बताइएगा जरूर। जम्मू कश्मीर में तेजी से सुधार हो रहे हालात के बीच सियासत में भी खासा बदलाव महसूस किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 वर्ष के दौरान लगभग 1 दर्जन नए क्षेत्रीय राजनीतिक दल उभर कर सामने आए हैं। इन सभी दलों ने चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण भी करवा लिया ताकि समय आने पर विधानसभा और संसदीय चुनाव भी लड़ सकें। इन दलों का गठन जहां आम लोगों में भारतीय संविधान और लोकतंत्र में मजबूत होती आस्था को दर्शाता है, वहीं परिवारवाद की सियासत करने वाली पुरानी क्षेत्रीय पार्टियों का विकल्प भी प्रदान कर रहा है। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी पार्टियां उभरते नए दलों से खिन खाती नजर आ रही हैं और वह इसे कश्मीरियों को राजनीतिक रूप में बांटने की साजिश बता रही हैं। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।